पटियाला PRTC बस स्टैंड का गेट बंद कर किया गया प्रदर्शन। पेंशन और तनख्वाह न मिलने के रोष में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ की मुर्दाबाद के नारे बाजी। PRTC एक्शन कमेटी के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, तनख्वाह और पेंशन न मिलने के चलते हुए गेट बंद कर किया प्रदर्शन। पटियाला से विकास कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। हाँ जी, मैं धर्मेंद्र सिंह धालीवाल, कन्वीनर PRTC वर्कर्स एक्शन कमेटी। अज जिहड़ा गेट के उत्ते विशाल इकट्ठ होया है, ये अज तनखाह ते पेंशन जिहड़ी 25 तारीख हो गई, हाले तक तनखाह पेंशन नसीब नहीं हुई और हर बारी 5 महीने हो गए लगातार, ही कदे 20 तारीख नूं कदे 25 नूं मिल रही है। और सरकार, पंजाब दी सरकार तों 250 करोड़ रुपया PRTC ने लैना है फ्री सफ़र का, वह सरकार बिल्कुल मतलब अखां बंद करी बैठी है, कन्न बंद करी बैठी है। PRTC दे वर्करां नूं जिन्हां नूं मेहनत की तनखाह पेंशन मिलनी है, उन्हां दी बिना फिक्रमंदी कीते आ कन्नां 'च आपदा तेल पा के बैठे ने। असीं ये धरने मुजाहरियां दे राहीं आपदी सुनवाई कर रहे हैं भी जे तनखाह पेंशन आ इस तरह ही तुसीं लेट करनी है तां निरंतर साडा संघर्ष चलता रहेगा। और 16 तरीक नूं असीं डिप्टी कमिश्नर पटियाला दे गेट दे सामने 1000 दी गिणती दे विच अद्धे दिन तक पूरा धरना ते कन्वेंशन करांगे और मंग करांगे भी पंजाब दा मुख्यमंत्री साढ़े नाल बैठ के दलील दे नाल गल करे और असी साडी तनखाह पेंशन दा जिहड़ा पक्का हल किया जाए और जिहड़े ठेके दे उत्ते कर्मचारी ने उहनां नूं पक्का किया जाए, जिहड़े पहलां पक्के हो गए उहनां नूं पुरानी पेंशन उहनां दी बहाल की जाए, किलोमीटर स्कीम गड्डियां पाउण दी जिहड़ी स्कीम है ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ 16 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਵੈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।